सही अर्थों में रत्नों की खान है। सागर मंथन से तो केवल 14 रत्न ही निकले थे, परंतु इस माटी के जीवन मंथन से अविरल असंख्य विभूतियों का जन्म हुआ। इन अनमोल रत्नों के जीवन दर्शन पर आधारित समाज उपयोगी, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक मालिका अनमोल रत्न मानव गरिमा को समर्पित है। इसी रत्न मालिका के एक अनमोल रत्न कैफी आजमी। पुराने जमाने की बात है, किसी शहर में एक दूध बेचने वाला रहता था। यूं तो वो बहुत मेहनती था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के लिए वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। क्या मिलाता था? पानी। हाँ, एक शेर दूध में, अरे एक शेर दूध में एक शेर पानी मिलाया करता था। हाँ, बस यूँ समझो कि थोड़े ही अरसे में उसने ढेरों रुपए कमा लिए। और उसके बाद उसे अपने घर की याद आई, तो उसने वो रुपए एक थैली में जमा करे और उन रुपयों को लेकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते धीरे धीरे वो एक नदी के किनारे पहुंचा। हाँ तो बताओ, वो कहाँ पहुंचा था? नदी के किनारे। एक सायादार दरख्त के नीचे वो किश्ती का इंतज़ार करने लगा। और मालूम है गुड़िया, इंतज़ार करते करते वो वहीं बैठा सो गया। और जब उसकी नींद टूटी तो जानते हो उसने क्या देखा? क्या देखा? अरे उसने देखा कि उसकी गटरें खुली हुई है। हाँ? और उसकी रुपयों की थैली गायब। हाय हाय हाय, उसके तो होश ही उड़ गए। और घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगा कि क्या हुआ। और तब जानते हो उसने क्या देखा? क्या देखा दादी माँ? उसने देखा कि एक बंदर उसके रुपयों की थैली को लिए हुए दरख्त की सबसे ऊंची डाल पर बड़े इत्मीनान से बैठा है। भाई दूध वाले ने बंदर की बड़ी मिन्नत समाजत की कि भाई वो उसकी थैली फेंक दे, पर बंदर कहाँ सुनने वाला, उसने उसकी एक नहीं सुनी। फिर क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? बंदर ने उस थैली में से एक एक करके रुपए निकालने शुरू किए, और वो एक रुपया जमीन पर फेंकता था तो दूसरा रुपया नदी में, एक रुपया जमीन पर फेंकता था और दूसरा रुपया पानी में। और इस तरह से उसने दूध वाले की थैली के आधे रुपए जमीन में फेंक दिए और आधे रुपए पानी में। जानते हो उसके बाद उसने क्या कहा? क्या कहा? अरे उसके बाद उसने कहा कि जो तुम्हारी मेहनत से तुमने पैसे कमाए हुए हैं वो मैंने तुम्हें दे दिए, और जो तुमने बेईमानी से कमाए थे वो मैंने पानी में फेंक दिए। तो इस तरह से दूध के कमाए हुए पैसे तो दूध वाले को मिल गए, और पानी के पैसे कहाँ गए? पानी में। तो इसका मतलब समझ गए। तो बच्चों ये बात याद रखो कि आदमी को हमेशा मेहनत और ईमानदारी से सब काम करने चाहिए। हाँ बैठना, आओ मेरे पास आ जाओ। हाँ बैठो ना, लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं हैं। चलो बच्चों चलो, बहुत देर हो गई, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। तुम मानोगे थोड़ा ही। अच्छा सुन, एक जंगल में एक शेर रहता था, रोज एक जानवर का शिकार करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए, और एक रोज सभी जानवर ये मशवरा करने के लिए गए कि किस तरह इसका वक्त शेर से पीछा छुड़ाया जाए। पापा सो गए क्या? पापा पापा अभी तक सोए नहीं? नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। तो जाइए जाकर दादी से कहानी सुनिए। और जानते हो फिर क्या हुआ? शेर ने गुस्से में खरगोश से कहा, अरे तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मुझे कहानी नहीं सुननी। मालूम नहीं, मुझे मीर नहीं सुनना है।
मीरानीस इस वक्त नहीं। मेरी प्यारी आपा सुनाओ ना मुझे मीरानीस। सुनाओ ना मुझे मीरानीस। मैं जानती थी तुम हमेशा यही करते हो। चलो यहाँ आराम से बैठो। कहाँ गया? सुनो, घोड़ा जो रुका घेर लिया फौज ने एक बार, जख्मी थी कलाई पे चली जाती थी तलवार। घोड़ा जो रुका घेर लिया फौज ने एक बार, जख्मी थी कलाई पे चली जाती थी तलवार। घबरा गए जब पड़ने लगे तीरों की बौछार, मशकीजे को झुक झुक के बचाता था अलमदार। चश्मे बदूर, संभल कर जाना बेटे। लो और सुनो, सारा नाश्ता दोस्तों में मत बांट लेना, खुद भी कुछ खा लेना। हरे हरे नजरे आगे रखिए। तेरे बगैर ये घर अजीब लगता है क्या? और आप शीशे के घर में रहते हैं? आप शीशे के घर में रहते हैं? हाथ में पत्थर अजीब लगता है। हाथ में पत्थर अजीब लगता है, क्या बात है बेटा? कहाँ गया वो खलूस मेरे गांव का? जगह जगह है शहर अजीब लगता है। वाह वाह, जगह जगह है शहर बहुत अच्छा अजीब लगता है। बहुत खूब, अच्छा दिखा, बहुत अच्छा। जी में आता है इतना तो जिंदगी में कभी किसी की खलल पड़े हंसने से हो सुकून और न रोने से कल पड़े। ये शेर मेरे हैं, मैंने लिखे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनके पेट में दाढ़ी है। किसी के शेर को चुराना और अपना कहना, ये बहुत बड़ा गुनाह है बेटे। अब्बा ये शेर मेरे हैं, मैंने लिखे हैं, मेरा यकीन कीजिए। अब्बा कैसी, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे अशार सारी दुनिया से दादे तहसीन हासिल करेंगे। अल्लाह तुम्हें अपनी बरकतों से नवाजे मेरे चांद। और अब्बा हुजूर, ताज्जुब है कि आपने अपने अदब शनाज नजरों से कैफी को नहीं पहचाना। ये शेर कैफी के ही हैं और मुझे यकीन है कि एक दिन कैफी अदब के आसमान पर एक तरक्शिंदा आफताब की तरह चमकेगा। तुम यहाँ हाथ कंगन को आरसी क्या, आगे कहिए। उस जमाने का ज्यादातर कलाम जाया हो गया, सिर्फ ये गजल, पहली गजल जिंदा रह गई, इसलिए कि इसको बाद में बेगम अख्तर की आवाज मिल गई थी और उनकी आवाज ने उसमें ऐसा पंख जोड़ दिया कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैल गई गजल, और उसकी वजह से वो जिंदा है आज तक। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पीपी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। एक तुम के तुमको फिक्र नशेब व फराज है, एक हम के चल पड़े तो बहर हाल चल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। ये थी वो गजल कि उसके बाद लोगों ने ये मान लिया कि शायर हैं ये खुद।
जब मैं पहली बार कैफी आजमी से मिली हूँ तो ये 1947 का ज़माना था। कैफी साहब और मजरू सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीद, ये सब लोग प्रोग्रेसिव राइटर्स की मीटिंग में हैदराबाद आए हुए थे और मैं उस ज़माने में अपनी बहन के पास ठहरी हुई थी। तो उस ज़माने में कैफी साहब निहायत हैंडसम, खूबसूरत और बहुत अच्छे पढ़ने वाले शायर और निहायत इंटरेस्टिंग आदमी थे। कैफी साहब ने मुशायरे में एक ऐसी नज़्म सुनाई जिसका उन्वान था ताज। तो मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत हैरान हुए और मेरे बड़े भाई ने मेरी तरफ देख के कहा कि भाई ये लड़का तो बहुत ही बोल्ड है और मतलब इस उम्र में, वो होंगे उस वक़्त मेरे ख़्याल में 25-26 साल के और मेरी उम्र होगी कोई 18-19 साल की, मैं मैट्रिक में पढ़ रही थी। तो मैं उनसे बहुत मुतासिर हुई। उसके बाद जब मुशायरा ख़त्म हुआ तस्लीम। आदा। वो ही अब्र जाला चमक नुमा वही खाक बुलबुले सुर्ख भी, जरा राज बन के मोहन में आओ, दिले घटा टुन तो बिजली कड़के धुन तो फबन झपट के लगन में आओ। कैसे साहब, एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानिएगा? फरमाइए। क्या आपको यकीन है कि आपके दीवान में इससे ज्यादा गैर शायराना शेर और कोई नहीं? आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। तो क्या हमारे हिस्से का यही शेर था? जी हरगिज नहीं, मेरा वो पूरा दीवान आपके नजर हो सकता है, लेकिन लेकिन क्या? आप खुद ही रास्ता बदल कर सरदार जाफरी के पास ऑटोग्राफ लेने चली गई। तो इस पर मुझे बहुत हंसी आई और मैं हंस पड़ी। उसके बाद ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट कैफ़ी की तरफ बढ़ने लगा, कैफ़ी का इंटरेस्ट मेरी तरफ बढ़ने लगा और नतीजा ये निकला कि बहुत मुश्किलों से हमारे घर में बेहद इख्तलाफ हुआ और कोई भी सिवाय मेरे फादर के कोई ये नहीं चाहता था कि कैफ़ी से मेरी शादी हो जाए। मैं समझती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में, जैसे कि ये क्योंकि यूपी के हैं
तो वो अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हैं। यूपी का हर इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है और ख़ास तौर से समझता है कि वो हैदराबाद के मुकाबले में बहुत सुपीरियर है। मम्मी क्योंकि हैदराबाद की हैं और ख़ुद मेरा जो है जन्म हैदराबाद में हुआ था, तो जावेद और अब्बा का हमेशा हमारे साथ ये सलूक रहा है कि हम लोग जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर लोग हैं। तो चुनाचे वो हैदराबादी खाना उनको नहीं पसंद है, खट्टी दाल उनको नहीं पसंद है, बघारे बैंगन उनको पसंद नहीं है। और अगर उनकी अरहर की दाल का चमचा आपने अगर आपने खट्टी दाल का चमचा उनकी अरहर की दाल में डाल दिया तो उसके बाद उनका वो खाना नामुमकिन है। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों में आप कह सकते हैं कि वो डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि इनकी शादी को माशाल्लाह 40 से ज़्यादा साल हो गए हैं और आज तक उन्होंने हैदराबाद की चीज़ खाना पसंद नहीं किया है। या हैदराबादी ज़बान के बारे में जब मैं कहती हूँ कि नहीं उर्दू शायरी तो दक्कन में शुरू हुई थी तो आप इतने सुपीरियर हो गए से सकते हैं, तो बिल्कुल एक ही मुस्कुरा के कह देते हैं कि बेटा तुमको क्या मालूम है। इस तरह की छोटी छोटी बहुत स्वीट सी चीज़ें। मैं बम्बई में कमाने के लिए नहीं आया था मैं, हालांकि मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ मैं फिल्म के मैं काम करता हूँ, फिल्म के लिए लिखता हूँ, फिल्मों में गाने लिखे और फिल्मों की कहानियाँ लिखी, गर्म हवा उनकी लिखी जिसमें उनको अवार्ड मिला, फिर उसके बाद उन्होंने हीर रांझा लिखी जो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि उन्होंने सिर्फ नज्म में पूरी फिल्म लिखी और उनको अवार्ड भी मिलते चले गए। उनकी 3 किताबें आई जिसमें से कि आखिरी आवारा सजदे थी, आवारा सजदे के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड ये सब मिले। हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर था जिसके बहुत से अखबार निकलते थे हर जबान में, उर्दू में भी एक हफ्तावार निकलता था। उसके स्टाफ में एक कारकुन की ज़रूरत थी और इसलिए मुझे बुलाया गया और मैं उसमें आया, और यहाँ आने के बाद मैंने उसमें काम किया, उससे जुड़ गया। उसके बाद यहाँ ट्रेड यूनियनों में, कई ट्रेड यूनियनों में मैंने काम किया, मजदूरों में काम किया और उनकी यूनियनें बनाई, उनके लिए जद्दोजहद की, स्ट्राइक की और स्ट्राइकों में हिस्सा लिया, स्ट्राइकें ऑर्गेनाइज की। इस तरह की ज़िंदगी मैंने बम्बई में आके गुजारी है। फिल्म में मेरी फिल्म से वाबस्तगी मेरी बहुत बाद में हुई और उस वक्त हुई जब दूसरा कोई जरिए माश मेरे लिए नहीं रह गया था। मुझे जिंदा रहने के लिए रोटी कमाना जरूरी हो गया था मेरे लिए। उस वक्त मैंने फिल्म की तरफ रुजू किया और फिल्म में मैंने कुछ गाने लिखे और फिर सॉन्ग राइटर की हैसियत से मुझे फिल्म में फिल्म ने कबूल किया और फिल्म को मैंने कबूल किया, उसमें अब तक चल रहा हूँ। वरना उसके पहले मैं एक धुंधला सा देशभक्ति का एक तसव्वुर था और उसकी आग थी मेरे अंदर, मैं आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक था, लेकिन इनकलाब का रास्ता मुझे यहाँ आके नज़र आया और उसमें अब मैं शरीक हूँ। मैंने अपनी शायरी भी उसके लिए वक्फ कर दी और ज़िंदगी भी वक्फ कर दी। हम नई जन्नत बसाएंगे, तड़प देकर खशो खाशाक को बिजली बनाएंगे, नए हिंदोस्तां में हम नई जन्नत बसाएंगे, तड़प देकर खशो खाशाक को बिजली बनाएंगे। कोई आवाज दे दे आतिश अफसा चांद तारों को, कोई आवाज दे दे आतिश अफसा चांद तारों को कि अब खाके वतन के झुल से जर्रे जगमगाएंगे। क्या जनता के हाथ में कारखाने, खाने और जमीनें हैं? अगर ऐसा नहीं है तो इस देश में जनता की हुकूमत नहीं है।